Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing good. So, हम move कर रहे हैं. Gunjan and I are moving to a different place now. हमें इस वाले basement में where we are currently staying, वहाँ पे हमें 4 months हो गए हैं. And हम after 4 months दूसरे basement में जा रहे हैं. So, चाहते तो हम apartment पे थे जाना, but मिला ही नहीं कोई. So, we are now shifting to a different basement now. अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं वो ब्राम्पटन है. अब जहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं वो ब्राम्पटन डाउनटाउन है. सो अब हम ब्राम्पटन डाउनटाउन में शिफ्ट हो रहे हैं और वो अब हमारे कॉलेज से 30 मिनट दूर है, तो हमें काफी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा कॉलेज के लिए. काफी ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी बिकॉज कहाँ पे अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां से सिर्फ 10 मिनट दूर है कॉलेज, और अब जहाँ पे हम शिफ्ट होंगे वहां से कॉलेज 30 मिनट दूर है. सो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ हैसल टू ट्रैवल, बट कांट हेल्प इट. सो या अभी हमें बहुत कम टाइम है हमारे पास सारा सामान सेट करने के लिए. हमने यू हॉल नहीं कराया है बिकॉज फॉर्चुनेटली वी डू हैव अ फ्रेंड, गुंजन का फैमिली फ्रेंड, जो हमें शिफ्टिंग में हेल्प करा रहा है मूव करने में. सो उसी की कार में सारा सामान जाने वाला है, प्लस हमारे पास इतना सामान है भी नहीं. हमारे सिर्फ स्ट्रॉलर्स वगैरह हैं, यूटेंसिल्स वगैरह. सो आधे टाइम तो हम लोगों ने वैक्यूम बैग में सब भर दिया था सामान, बट अब तो पंप ही नहीं है और वैक्यूम बैग है सिर्फ. तो देखते हैं कैसे मैनेज करना है, बट आज ही के आज हम सारा सामान शिफ्ट कर देंगे. सो बेयर विद मी एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग. योर ब्रो, यू रेडी? रेडी. सो वी आर नॉट इवन हाफ वे थ्रू एंड ये है पूरा हालत यहाँ पे. इट इज नॉट ईजी गाइज, मूविंग इज नॉट ईजी. अभी हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करें. हमने क्लोथ्स वहाँ पे आधे वहाँ पे हैं वैक्यूम बैग में, आधे यहाँ पे हैं, और ये हम हाथ में ही पकड़ने वाले हैं. बैग्स में हमने वहाँ पे यूटेंसिल्स रख दिए हैं, यहाँ पे सारा जो भी सामान था हमारा वो रखा है, और अभी भी बहुत कपड़े हैं यहाँ पे भी. और यहाँ का तो ये हाल है, हमें समझ नहीं आ रहा कि जो ग्लास के यूटेंसिल्स हैं वो कहाँ पे रखें, एंड देन इनका क्या करना है पता नहीं फुटवेयर का, और अभी वो भी बचे हैं और सारा दाल वगैरह वो सब भी बचा है ना, ग्रॉसरी का सारा पार्ट जो होता है सारा. उन्हें तो टच तक नहीं करा अभी. सो अभी वॉशरूम के जितने भी टॉयलेट्रीज रहती है वो हमने नहीं लिया, वो पैक नहीं किया, और क्लोथ्स भी ऑब्वियसली अभी सारे ही पैक होने बाकी हैं क्योंकि ये हाल है यहाँ पे. एंड हमारा ग्रॉसरी का जो भी सामान रहता है, राइस, आटा एंड मसाले, स्पाइसेस, एवरीथिंग, वो भी कुछ नहीं हुआ है. और हमें बस आई गेस 15-20 मिनट्स में मूव करना है. आई डोंट नो कितने चक्कर लगेंगे बिकॉज यहाँ से वाला घर 30 मिनट्स के डिस्टेंस में आई गेस, 20 या 30 मिनट्स के डिस्टेंस में है, तो हमें 2-3 राउंड तो लेने पड़ेंगे आई गेस. एक ही बार में तो सारा सामान नहीं जाएगा, प्लस हम वापस यहीं सोने आएंगे बिकॉज वहाँ पे भी मैट्रेस नहीं आया, वो भी अनफर्निश्ड बेसमेंट है. सो वो भी देखना है. घर आने के बाद शायद कुछ बनाएंगे एंड देन सोएंगे, बट लेट्स सी आज ही के टाइम पे सारा करना है. सो न्यू अपडेट, काफ़ी कुछ पैक हो गया है बट अभी भी थोड़ा बहुत सामान रहता है. वी आर जस्ट नॉट श्योर कि कितने राउंड्स लगने वाले हैं और कैसे सब रखना है. फ्रिज का तो अभी सारा सामान फ्रिज में ही है, हमने कुछ भी नहीं निकाला है बिकॉज वी आर जस्ट अनएबल टू फिगर इट आउट. मूविंग इज नॉट ईजी यू गाइस. सो इस लास्ट ट्रैश पैक में तो सारे हमने फुटवेयर रख दिए. इनमें आई गेस क्लोथ्स तो खैर सारे यहाँ पे हैं, जो बाकी रिमेनिंग स्टफ है, फाइल्स वगैरह और बाकी छोटा मोटा सामान, वो सारा इन दोनों बैग्स में है. उसमें टैंग और थोड़े बहुत यूटेंसिल्स हैं. देन इसमें हम कांच का रख रहे हैं बिकॉज सारे स्टफ टॉयज है इसमें, एंड ये तो पूरा यूटेंसिल्स वाला ही है. सो अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या करना है. एंड वो सारे वो वाले ग्रॉसरीज के सामान हैं जो खुले हुए पैकेट में है, सो वी डोंट नो कि इनको कहाँ पे रखें. एंड देन यहाँ पे हमने सारा पैक्ड सामान रखा है ग्रॉसरी का एंड इसमें भी. देन हमारा क्लोजेट तो पूरा खाली हो गया. एंड
एंड हमारा मूविंग स्टार्ट हो गया है. शुभम आ गया है और शुभम की कार में हम देखते हैं अभी कितना सामान जाता है और कितने राउंड लेने पड़ेंगे. रात को मूव कर रहे हैं बताओ. एक ये वाला शॉलर भी है और हाँ लेकर आते हैं. आधी स्पेस तो गुंजन के लिए छोड़नी है. गुंजन के लिए स्पेस थोड़ी चाहिए. बहुत स्पेस लेती है. हमारे सबसे हट्टे कट्टे इंसान को बोल रहे स्पेस नहीं चाहिए. ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग यहाँ पे बहुत मिस करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे पास में ही उस साइड पे एक पार्क है जहाँ पे हम लोग रात में जाते रहते थे एंड इट यूज्ड टू बी सो फन. आई डोंट नो अभी जहाँ पे शिफ्ट होंगे वहाँ पे कैसा होगा. एंड स्ट्रीट लाइट्स मुझे वहाँ पे इतनी सारी दिखी तो नहीं थी बट लेट्स सी कैसा होता है. आज तो बस सारा सामान मूव कर लेते हैं. इवन तो आई डोंट थिंक कि आज सारा सामान मूव हो पाएगा बट लेट्स सी कितना होता है. रात को काम चल रहा है हमारा शिफ्टिंग का. अभी ये फर्स्ट राउंड ही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हम सामान डाल ही रहे हैं. हाँ गया. सो ये हमारा सेकंड राउंड है एंड शुभम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है आपको? चलो आ जाओ. कौन सा ये लेकर शुभम ये लेकर आना है? सेकेंड राउंड इट इज गाइस. यो सेकेंड राउंड. यो ब्रो. यो ब्रो. आप सबकी हालत टाइट हो गई है. एनर्जी एकदम जैसे पहले स्टार्टिंग में एकदम हाई थी यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है. सही में नींद नजर आ रही है मेरे को. बहुत ज्यादा नींद आ रही है. बट हमारे मोस्टली स्टॉलर्स तो चले गए हैं. हाँ बस एक ही रहता है. एक स्टॉलर रहता है और थोड़ा बहुत सामान जो कि गुंजन और शुभम कल फिगर आउट करेंगे. मैं आके अभी सो जाऊंगी. सो बाय बाय बाय. सो दिस इज आवर सेकंड एंड द फाइनल राउंड फॉर टुडे. शुभम बहुत थक गए हैं क्योंकि उन्होंने इतने भारी भारी बैग्स उठाए हैं. थैंक यू सो मच शुभम. एंड गुंजन तो दिख ही नहीं रही है. गुंजन इधर आई हो? मैं नहीं आ रही. ओह शिट, ये दिख ही नहीं रही है. पूरा पीछे इधर होना चाहिए. गुंजन पूरा पीछे सामान के साथ पैक है. फंस चुकी हूँ. ये फंस चुकी है. बाकी अब हम बस जा रहे हैं. बाकी मेरे पास भी है वैसे. बस अब हम जाएंगे सामान ड्रॉप करेंगे एंड देन होपफुली वी वुड बी डन फॉर द डे. ओहो फलूदा. यस फलूदा. थैंक यू. ऑल राइट गाइस, सो फाइनली सेकेंड बारी में ऑलमोस्ट सारा सामान हो चुका है. या एंड अब गुंजन और शुभम कल आएंगे बाकी का सामान रखने. स्ट्रगल हो गया आज के लिए. मेरा हो गया. आई एम जस्ट सो डैम डन. इतनी सफाई करी हमने घर की. पहले पूरा घर साफ किया देन सामान पैक किया एंड देन अब यहाँ लेकर आए हैं. सो इट्स द नेक्स्ट डे गाइस एंड फाइनली सारा सामान मूव हो गया है. बस दो तीन चीजें बची हैं वो हम कार में रख के डोर लॉक करके कीज लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर करके फाइनली मूव हो रहे हैं. सो या लेट मी जस्ट शो यू पूरा एम्प्टी बेसमेंट. सो ये है पूरा वीकेंड हमारा बेसमेंट. वैसे भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि पहले भी ज़्यादा कुछ सामान था नहीं यहाँ पे. एंड देन एवरीथिंग्स क्लीन्ड एंड सो इज अवर क्लोज़ेट नाउ हियर एंड बाय. Hi guys, so we finally have moved to our new place. अभी यहाँ पे just mattress लेकर आए हैं. दो mattress हमने purchase किया then सारा सामान यहाँ पे ऐसे रखा है. थोड़ा बहुत सामान हमारा और रहता है and then
सारा सामान तो इस न्यू घर में फाइनली शिफ्ट हो गया होगा। देन एक मैट्रेस यहाँ पर भी है। सो अब हमें बस घर को सेट करना है। न्यू बेसमेंट टूर में आप लोगों को बाद में दूंगी, अभी आई एम जस्ट गोना सेट दिस हाउस। सो यहाँ पे हमारी सेटिंग स्टार्ट हो गई है। गुंजन ऊपर चढ़ के सारा सामान सेट कर रही है। ये पूरा हमने पहले क्लीन किया एंड देन अभी गुंजन किचन सेट कर रही है। अभी काफ़ी टाइम लगेगा। एंड देन हमने मैट्रेस तो थोड़ा बहुत कर दिया है, ये वाला पूरा रूम भी क्लीन कर दिया है, हैंगर्स भी लग गए हैं, बट देन वी स्टिल हैव टाइम। अभी काफ़ी सारा सामान सेट करना है, ये पूरा क्लीन करना है एंड देन फिर सेट करना है। वाओ, वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ।